ये फाइनल ट्रिम की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 501 का फाइनल ट्रिम का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है। फाइनल ट्रिम एग्जाम्स के लिए जिसके अंदर आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जाएंगे और सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मौजूद हैं जिनके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे MCQs करवाने के बाद। पहला ये कि थ्री टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स डेट हेल्प फॉर द हिस्टोरिकल डेटा कलेक्शन। सो जो तीन डॉक्यूमेंट्स, तीन जो टाइप्स हैं डॉक्यूमेंट्स की जो कि हेल्प करते हैं हिस्टोरिकल डेटा कलेक्शन में, उनके बारे में लिखना। सो एक क्वेश्चन तो ये है। इसके अलावा राइट टाइप ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल की टाइप जो है वो लिखे हैं। इसके अलावा राइट थ्री टाइप्स ऑफ इन टेक्स्ट साइटेशन ऑफ ऑथर, थ्री टाइप्स लिखे हैं इन टेक्स्ट साइटेशन ऑफ ऑथर की। इसके अलावा लिखे हैं थ्री टूल्स जो कि यूज होते हैं रिलीवेंट सोर्स के लिए ताकि डेवलप किया जाए लिटरेचर रिव्यू। और उसके बाद है फिर के फाइव एस्पेक्ट्स लिखे हैं रिमेन्स के, और फिक्शन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखे हैं। तो अब आपके सामने जो है वो MCQs हैं, MCQs करवाए जा रहे हैं सॉल्व। उसके बाद फिर आपसे सॉल्यूशन भी आपको करवाए जाएंगे क्वेश्चंस के। सो कॉमन इन ऑल रिसर्च टाइप, सो क्या चीज़ कॉमन है ऑल रिसर्च टाइप में, वो है वैलिडिटी। सो वैलिडिटी इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि CMS स्टैंड्स फॉर, ये जो एब्रीवेशन है कौन से मैनुअल ऑफ स्टाइल की, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। सो शिकागो इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो एवेल्यूएट करती है डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ कंटेंट, ट्रुथ कंटेंट की बेसिस के ऊपर। और उसके बाद ये है कि प्लॉट जो है जनरल बैकग्राउंड है स्टोरी लाइन का या फिर लिटरेरी वर्क का जो कि प्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ डैश इन जिसके अंदर करेक्टर्स जो है वो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सो इवेंट्स इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो, यानी कि कौन सा ऑप्शन क्या चीज़ जो है वो डिपिक्ट करती है अंडरलाइन मीनिंग राइटिंग की, वो है थीम। सो थीम इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि कौन क्या चीज़ जो है वो स्टेप है केस स्टडी के अंदर, सो वो है यूनिट ऑफ अटेंशन, यूनिट ऑफ अटेंशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि कौन सा जो है वो फीचर नहीं है केस स्टडी का, वो है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल इज द आंसर। उसके बाद ये कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो एजुकेशन की फील्ड के अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स और इश्यूज, सो ये है एजुकेटर्स, सो एजुकेटर्स इज द आंसर। और उसके बाद ये कि कौन सा ऑप्शन जो है इनमें से वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, वो है पैसिव, पैसिव इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी स्टडीज जो है नॉट अ टाइप, वो टाइप नहीं है सर्वे मेथड का, वो है कॉज इफेक्ट। बाकी ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, सो कॉज इफेक्ट। और उसके बाद ये कि MLA प्रोवाइड करता है एक मेथड सोर्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए इन मोस्ट ह्यूमैनिटीज, सो ह्यूमैनिटीज इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है लाइब्रेरीज यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप के अंदर और इसी के साथ साथ कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज हैव सच डैश सच कैपेबिलिटी, वहाँ पर किस तरह की सच कैपेबिलिटी है, कंप्यूटराइज, कंप्यूटराइज सर्च कैपेबिलिटीज है लाइब्रेरीज के अंदर। और कौन से जो है रिसर्च, कौन सा रिसर्चर जो है वो स्टडी करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो है एक्शन, क्योंकि एक्शन के अंदर, एक्शन के लिए प्रैक्टिकल जो है वो ज़रूरी है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टाइप है केस स्टडी की, वो है कम्युलेटिव, कम्युलेटिव। और उसके बाद ये कि कैटलॉग सिलेबस प्रोस्पेक्टिस आर द डैश डैट कैन बी हेल्पफुल, जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं टू कॉल, कॉल करने के लिए एक हिस्टोरिकल डेटा, ये जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि देयर आर डैश टाइप्स, कितने बेसिक टाइप्स हैं रिसर्च डिज़ाइन की, टू, टू इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि एक सर्वे के अंदर जो है वो कंसिस्ट ऑफ अ डैश लिस्ट ऑफ क्वेश्चनियर, कौन सी लिस्ट है क्वेश्चनियर की, फॉर्मल, फॉर्मल इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स जो है उनको कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट इन सर्वे रिसर्च सोशियो इकोनॉमिक में, सोशियो इकोनॉमिक इज द आंसर। और उसके बाद ये कि जो डिज़ाइन है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का वो होना चाहिए इकोनॉमिकल, फ्रॉम किस हिसाब से इकोनॉमिकल होना चाहिए, मनी, टाइम, एनर्जी, सो ये तमाम के तमाम आ जाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एक केस स्टडी जो है वो
रिसर्च डैश है जो कि कॉमनली यूज होती है सोशल साइंसेस में, सो वो है रिसर्च मेथडोलॉजी जो कि कॉमनली यूज होती है सोशल साइंसेस के अंदर। और उसके बाद ये कि एक्शन रिसर्च प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन करते हैं देयर ओन डैश प्रैक्टिसेस, किस तरह की प्रैक्टिसेस को एजुकेशनल, एजुकेशनल इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये कि आइडिया कैटेगरीज जो कि एमर्ज होती हैं ग्रुपिंग से, लोअर लेवल डेटा पॉइंट्स है वो क्या हैं, वो हैं थीम्स, सो थीम इज दी आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि एमएलए जो है वो पाया जाता है कितने एडिशंस के अंदर, एट, एट इज दी आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि टीचर्स जो है वो अटैम्प्ट करते हैं कि स्टडी करें उनकी प्रॉब्लम इन डैश एक्शन रिसर्च, सो एक्शन इज द आंसर, एक्शन इज द आंसर। और उसके बाद ये कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो सेव करते हैं रिसर्चर को, किससे, डिले होने से, प्रोसेस, प्रोसेस डिले हो इससे वो सेव करते हैं। और उसके बाद ये कि नॉट इंक्लूडेड इन सर्वे मेथड, सर्वे मेथड में क्या शामिल नहीं है, समरी एंड राइटिंग इज नॉट इंक्लूडेड, सो दिस इज द आंसर हेयर। और सर्वे मेथड जो है वो, सर्वे जो है वो मोस्टली यूज होता है कहाँ पर, सोशल साइंसेस के अंदर, सोशल साइंसेस इज द आंसर हेयर। सो नाउ दी नेक्स्ट वन इज दी फैक्टोरियल डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन हैज कॉमन फीचर, कॉमन फीचर होते हैं किसके साथ, ट्रीटमेंट बाय लेवल, सो दिस इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये है कि बेसिक एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेटेड है किसके अंदर, रैंडम रेप्लिकेशन के अंदर, सो दिस इज दी आंसर। और उसके बाद है फिर अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सो थ्री टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि हेल्प करते हैं हिस्टोरिकल डेटा कलेक्शन के लिए वो कौन कौन से हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इसके अंदर आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद ये है कि राइट टाइप ऑफ आर्टिकल्स, सो कौन कौन सी टाइप्स हैं, प्राइमरी रिसर्च है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है और पोजिशन पेपर है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। उसके बाद ये कि राइट थ्री टाइप्स ऑफ इन टेक्स साइटेशन ऑफ ऑथर, जो तीन टाइप्स हैं इन टेक्स साइटेशन ऑफ ऑथर की, जो मोस्ट कॉमन साइटेशन स्टाइल है उसके अंदर एपीए है, एमएलए है, शिकागो स्टाइल भी आ जाता है जिसको हम सीएमएस कहते हैं, इसका एमसीक्यूज भी आया था। और उसके बाद ये कि राइट थ्री टूल, थ्री टूल्स लिखें जो कि यूज़ होते हैं रिलेवेंट सोर्स के लिए कि डेवलप किया जाए लिटरेचर रिव्यू, यहाँ पर ज़्यादा लिखे हुए सो आपको आसानी रहेगी याद रखने में, सो कैटलॉग है, ओपन एक्सेस डेटाबेसेस है, बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस, इंटरनेट सर्च डिज़ाइन और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाता है। और उसके बाद ये कि राइट फाइव एस्पेक्ट्स, फाइव एस्पेक्ट्स लिखे हैं रिमेन्स के, सो वो है बिल्डिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है, इसके अलावा लाइब्रेरी और एंड देयर फर्नीचर, इसके अलावा फोटोग्राफ्स और अदर रिकॉर्ड्स एंड दूसरे जो रिकॉर्ड्स हैं, इसके अलावा फॉर्म ऑफ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर, इसके अलावा टेक्स्ट बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स, मैप्स, ड्राइंग वगैरह और रिटन मटेरियल, सो दिस इज दी आंसर। और उसके बाद ये कि राइट फिक्शन करेक्टरिस्टिक्स, फिक्शन करेक्टरिस्टिक्स लिखें, सो फिक्शन हैज थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज हैं, रियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक और सेमी फिक्शन। और फिक्शन वर्क रियल नहीं होता और ऑथर जो है वो यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फिगरेटिव लैंग्वेज ताकि टच दें रीडर्स की जो इमेजिनेशन है उसको, और पोट्री के मुकाबले में अगर हम देखें तो ये जो है ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है और ये फॉलो करता है ज़्यादा ग्रामेटिकल पैटर्न और करेक्ट करेक्ट मैकेनिक्स। और एक फिक्शनल वर्क जो है वो इनकॉर्पोरेट हो सक कर सकता है फैंटेस्टिकल और जो इमेजिनरी आइडियाज़ हैं एवरीडे लाइफ से, रोजमर्रा की लाइफ से। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।